आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल। दिल्ली सल्तनत वॉज सक्सीडेड बाय द मुगल एम्पायर। इसे जो पहले हमने पढ़ा इस लेसन में वो ये था, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई, क्या पैटर्न था। अब दिल्ली सल्तनत के बाद आए थे मुगल, मुगल एम्पायर आया था, तो अब हम मुगलों का पढ़ेंगे, उन्होंने इंडिया में क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स बनवाई। द स्टाइल अडॉप्टेड बाय द मुगल्स वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सियन इंडियन एंड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। अब मुगल ने जो अप्रोच ली, जो डिज़ाइन बनवाए, जिस तरह के भी उन्होंने बिल्डिंग बनाए, उसमें पर्सियन इंडियन और प्रोविंशियल, मतलब वहीं पे जो जहाँ भी जिस जगह भी बनाए ना वहाँ पे क्या काम चलता था उसको लेके वो पूरा उन्होंने आर्ट कंबाइन करके लिया। इन शाहजहाँ पीरियड द मुगल आर्किटेक्चर रीच इज जेनिथ, ऊंचाई पे था शाहजहाँ ने, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर आर्किटेक्चर बनवाया, मतलब सबसे ज़्यादा था उसका निर्माण, उसने सबसे ज़्यादा करवाया। मुगल्स कंसंट्रेटेड ऑन सिमेट्री एंड बैलेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। अब मुगल जो बिल्डिंग बनाते थे उसमें वो सिमेट्री का भी ध्यान रखते थे और पार्ट्स के को भी बैलेंस करते थे। दे ऑल्सो गेव वेरी डेलिकेट ऑर्नामेंटल डिटेल्स, और जो बारीक होते हैं ना ऑर्नामेंटल डिटेल्स, सारी बारीक से बारीक चीज़ें भी वो उनमें नक्काशी करवाते थे, ध्यान रखते थे उसका। द मॉन्यूमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द पीपल। अब मॉन्यूमेंट्स उन्होंने क्यों बनवाए, लोगों पे असर डालने के लिए, शो केस द वेल्थ, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना धन है, पावर है, पैसा है, और ग्लोरी यानी सुल्तान का नाम हो, एंड ऑल्सो टू मेक फ्यूचर जनरेशन रिमेंबर देम, और ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो आज भी उनको याद करें। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है ताजमहल, सारा बहुत अच्छा उसमें डेलिकेट कार्विंग की है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ओके, नीचे लिखा भी है शार्ज वो ताजमहल ही, और आज भी देखते हैं तो लोग याद करते हैं कि ये शाहजहाँ ने बनवाया था। मोस्ट ऑफ द शाहजहाँ मॉन्यूमेंट्स आर रिच एंड लैविश, लैविश मतलब अमीरी की झलक, रिच एंड लैविश मतलब अमीरी, और ये सब दिखाता है, रॉयल लुक देता है। ब्यूटीफुल ताजमहल बिल्ट इन द 17th सेंचुरी इज़ नॉट सो मच अ प्राइवेट मेमोरियल देन अ डिस्प्ले ऑफ पर्सनल और डायनेस्टिक वेल्थ एंड ग्लोरी। अब ताजमहल जो 17th सेंचुरी में बना था वो प्राइवेट मेमोरियल कम था, ठीक है ना, बल्कि ये था कि राजा के पास पर्सनल और डायनेस्टिक वेल्थ, यानी उस समय शाहजहाँ राजा की पावर, राजा की वेल्थ को शो करता था। इट शोज़ द मुगल लव फॉर आर्किटेक्चर, और मुगल को आर्किटेक्चर बिल्डिंगें बनाने से कितना प्यार था वो ये शो करता है। इन द अर्ली 17th सेंचुरी अकबर क्रिएटेड फतेहपुर सीकरी, 17th सेंचुरी में शुरू में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया। द डिसीजन वॉज टू मेक अ न्यू सिटी एंड टू ब्रेक अवे फ्रॉम आगरा। अब उन्होंने फतेहपुर सीकरी इसलिए बनाया कि वो नई सिटी में चले जाएंगे और आगरा को छोड़ देंगे। दिस डिसीजन हैव टू अ न्यू कैपिटल डिपिक्ट्स हिज इंडिपेंडेंस। अब ये डिसीजन उसका नया कैपिटल बनाने का ये शो करता था कि वो इंडिपेंडेंट है, हिज इंडिपेंडेंस आज़ादी। द ग्रैंड आर्च ऑफ बुलंद दरवाजा, इट्स सेंचुरीज, हाउसेज, ऑफिसर्स, एक्स्पेशली द प्राइवेट एंड पब्लिक ऑडियंस हॉल्स, दीवाने आम, दीवाने खास आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ मुगल एग्जॉटिक एग्रीकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर। अब और भी उन्होंने बहुत सारे मुगल आर्किटेक्चर्स ने बनवाया, जैसे बुलंद दरवाजा, हॉल्स, ये हॉल्स के नाम थे, दीवाने आम और दीवाने खास, ये सारे। अकबर वॉज इंस्पायर्ड बाय अ विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज बिल्डिंग्स। अकबर जो था वो कहता था कि पूरा इंडिया एक हो, यूनाइटेड इंडिया, वो पूरे इंडिया को एक करना चाहता था, और यही चीज़ उसकी बिल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट होती थी। ही इन्वेंटेड अ वेरी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल विच वॉज ट्रूली इंडियन अमंग अलॉन्ग विद द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फॉरेन ट्रेडिशंस। कैसे, उसने बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इन्वेंट किए जो पूरे इंडियन थे, लेकिन उन पे बाहर की ट्रेडिशन का भी असर दिखता था। मीन्स इंडियन स्टाइल को उसने नहीं छोड़ा, इंडिया में इंडियन स्टाइल उसने बेस रखा, फिर दूसरे स्टाइल्स को उसने मिक्स किया उसमें।
अपने बिल्डिंग्स बनवाने में। मैनी ऑफ द बिल्डिंग रिफ्लेक्ट द पर्सनल स्टाइल्स एंड लाइक्स ऑफ द रूलर। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं, जो भी जो राजा बनाता था वो उसके पर्सनल स्टाइल और उसकी लाइकिंग को दिखाती थी। जैसे अकबर प्रेफर्ड रेड स्टोन, अकबर जो था वो रेड स्टोन प्रेफर करता था। शाहजहाँ को मार्बल से ज़्यादा प्यार था। द बिल्डिंग रिफ्लेक्ट्स एस्थेटिक सेंस टेस्ट एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्परर हु गॉट देम कंस्ट्रक्टेड। अब जिस राजा ने जो भी बिल्डिंग बनाई है उससे उसकी एस्थेटिक टेस्ट, उसकी अप्रोच, उसका क्या इंटरेस्ट है, ये सब पता चलता था। शाहजहाँ स्ट्रक्चर शो आ क्लास। शाहजहाँ की स्ट्रक्चर में क्लास थी, मतलब अमीरी झलकती थी। वाइल औरंगजेब शो आ लैक ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो औरंगजेब ने स्ट्रक्चर्स बनवाई थी उसमें ये पता चलता था कि इसको ये बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। हिज वाइफ स्टॉर्म्स इन औरंगाबाद इन पुअर कॉपी ऑफ द वंडरफुल ताजमहल। अब औरंगजेब ने कॉपी तो कर लिया ताजमहल का अपनी वाइफ का, उसने बनाई कब्र, लेकिन वो बहुत ही बेकार बनी, पुअर कॉपी थी वो ताजमहल की। सम रूलर्स डिस्प्लेड देयर विक्ट्री इन वार्स थ्रू आर्किटेक्चर एंड गॉट विक्ट्री टावर कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट देयर विक्ट्री। अब कुछ रूलर्स ऐसे थे जैसे वो जीत जाते थे ना तो अपनी वो जीत अपने उस आर्किटेक्चर में वो दिखाते थे, यानी जो भी उनके टावर या उन्होंने जो भी बनाया तो वो याद दिलाने के लिए थे कि ये वाला जो राजा है ये जीता है। वी हैव सेवरल एग्जाम्पल्स जैसे विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौर, बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी। ये उन राजाओं ने तब बनवाया था जब उन्होंने वॉर यहाँ पे जीती थी। अब है गार्डन्स। लार्ज गार्डन्स विद वाटर फाउंटेन्स एंड कैनाल्स इन द नॉर्थ इंडिया वॉज लेड बाय मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम रूलर ने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे गार्डन्स बनवाए थे। गार्डन्स वर प्लेस विद इन रेक्टेंगुलर वॉल इनक्लोजर, यानी पहले पूरा एक रेक्टेंगुलर वॉल बना दी, उसके अंदर ही ये बना हुआ था। एंड डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल। पानी की नहरें थी अंदर, वो चार नहरें उस वाटर को, उस गार्डन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करती थी। दीज गार्डन्स कॉल्ड चार बाग और फोर गार्डन। इन गार्डन्स को क्या कहा जाता था, चार बाग, क्योंकि नाम ही आ रहा है फोर गार्डन्स, ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। तो पूरी जगह को फोर इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये बनाए जाते थे। बिगनिंग विद द अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चार बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहाँ इन कश्मीर आगरा दिल्ली। शुरू किया था ये गार्डन्स बनाना अकबर ने, लेकिन बाद में जहांगीर और शाहजहाँ ने भी बनवाए, और कश्मीर आगरा और दिल्ली में इन राजाओं ने ये गार्डन्स बनवाए। अब है आपका बिल्डिंग मटीरियल, यानी क्या बिल्डिंग मटीरियल वो यूज़ करते थे। द मटीरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग मॉन्यूमेंट्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग जगह पे ये बिल्डिंग मटीरियल्स अलग अलग होते थे। द डेब्रिस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द पीरियड एंड द रिचली कार्व्ड कैपिटल कॉलम्स शाफ्ट ऑफ द ओल्डर बिल्डिंग्स वर रीयूज फॉर फ्रेश कंस्ट्रक्शन। डेब्रिस मतलब होता है जैसे वो टूट गए ना, जो उनके बचे खुचा बच गया अवशेष, उससे सारी वही चीज़ें यूज़ करके रिचली कार्व्ड कैपिटल्स कॉलम्स शाफ्ट, ये सारी ओल्ड बिल्डिंग का ये सब सामान लेके फ्रेश कंस्ट्रक्शन की गई। स्टोन्स वॉर एक्सटेंसली यूज्ड, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टोन्स का यूज़ किया, और जिप्सम का वॉज यूज फॉर प्लास्टरिंग बिल्डिंग को प्लास्टर करने के लिए। लाइम प्लास्टर वॉज रिजर्व फॉर प्लेस दैट नीडेड टू बी सिक्योर्ड अगेंस्ट वाटर लीक्स एज इन रूफ्स कैनल्स और ड्रेन्स। लाइम प्लास्टर का वहाँ यूज़ करते थे जहाँ से पानी लीक होने का खतरा था, जैसे छत कैनाल्स और ड्रेन्स में जहाँ पानी का काम होता है, तो वहाँ ये वाटर प्रूफ लाइम प्लास्टर जो है वो वाटर प्रूफ का काम करता था। वाइट मार्बल और रेड स्टोन सैंडस्टोन जो थे वो फेमस थे मुगल्स में, वो इन्हीं को लेके यूज़ करके करते थे। ये अभी आपने पढ़ा भी, वाइट मार्बल्स आर यूज इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में वाइट मार्बल्स यूज़ किया गया है, बट ये साउथ में पॉपुलर नहीं था। ब्रिक पैलेसेस ईंटों के पैलेस एंड फोर्ट किले कैन बी सीन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में देखे जा सकते हैं। दे आर फ्रॉम मेडिवियल पीरियड, जो ये किले और पैलेसेस हैं ये मेडिवियल पीरियड में ही बने थे। मैनी टेम्पल एंड पैलेसेस इन साउथ इंडिया आर बिल्ट ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। अब बहुत सारे टेम्पल और पैलेसेस जो साउथ इंडिया में थे वो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन के बने थे। एक्सटेंसिव वुड कार्विंग, अब वुड पे काम किया गया, वर डन इन टेम्पल्स ऑफ केरला।
विच वर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो केरला में जो नक्काशी की गई वो की गई वुड पे, और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है केरला के टेम्पल्स इस वजह से।